नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे ही होंगे। आज हम कक्षा 9वीं की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक जिसका नाम है सेमोशी का प्रथम अध्याय करने जा रहे हैं। प्रथम पाठ का नाम है भारती वसंत गीति। भारती का अर्थ होता है सरस्वती माता। वसंत वसंत ऋतु जो सीजन होता है। गीति का अर्थ होता है गीत। इसका संपूर्ण अर्थ हो गया भार सरस्वती माता के वसंत ऋतु के गीत। पहले देखते हैं इसका प्रस्तुत गीत। आधुनिक संस्कृत साहित्य के प्रख्यात कवि पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री की रचना काकली नामक गीति संग्रह से संकलित है। तो ये जो रचित है जानकी वल्लभ शास्त्री की रचना है। बहुत ही अच्छे कवि हुए हैं संस्कृत में। और काकली नामक गीति संग्रह से लिया गया है। काकली का अर्थ होता है जो कोयल आवाज करती है उनकी जो गूंज होती है उससे काकली कहते हैं। आगे देखें, इसमें सरस्वती की वंदना करते हुए कामना की गई है कि हे सरस्वती माता, ऐसी वीणा बजाओ जिससे मधुर मंजरियों से पीत पंक्ति वाले आम के वृक्ष, कोयल का कुंजन, वायु का धीरे धीरे बहना, अमराइयों में काले भ्रमरों की गुंजार और नदियों का जल वसंत ऋतु में मोहक हो उठे। स्वाधीनता संग्राम की पृष्ठभूमि में लिखी गई यह गीति का एक नवीन चेतना का आवाहन करती है। स्वाधीनता का अर्थ होता आजादी के समय में लिखी गई थी ये, तथा ऐसे वीणा स्वर की परिकल्पना करती है जो स्वाधीनता प्राप्ति के लिए जन समुदाय को प्रेरित करे। चलो आज इसका पहले सह स्वर पाठ करते हैं। निनादय नवीनामय वाणी वीणा, निनादय नवीनामय वाणी वीणा, मृदुं गाय गीतिम् मृदुं गाय गीतिम् ललित नीतिलीनाम्। निनादय नवीनामय वाणी वीणा, निनादय नवीनामय वाणी वीणा। मधुर मंजरी पिन जरी भूत माला, मधुर मंजरी पिन जरी भूत माला, वसंते लसंती है सरसारसाला, कला पाललित को किला काकलीनाम। निनादय नवीनामय वीणा, निनादय नवीनामय वाणी वीणा। वहति मंद मंदम सनीरे समीरे, वहति मंद मंदम सनीरे समीरे, कलिंदात्म जाया सवानीर तीरे, नताम पंक्ति मालोक्य नताम पंक्ति मालोक्य मधु माधवी नाम। निनादय नवीनामय वाणी वीणा, निनादय नवीनामय वाणी वीणा। ललित पल्लवे पादपे पुष्प पुंजे, ललित पल्लवे
पुष्प पुंजे मलय मारुतो चुंबित मंजु कुंजे स्वनन्ति ततिम प्रेक्षः स्वनन्ति ततिम प्रेक्षः मली मालिनाम निनादय नवीनामय वाणी वीणा लतानां नितान्तं सुमं शान्तिशीलं लतानां नितान्तं सुमं शान्तिशीलं चलत उच्छलेत कांतः सलीलं सलीलं तव कारण वीणां तव कारण वीणां अदीनां नदीनां निनादय नवीनामय वाणी वीणां निनादय नवीनामय वाणी वीणां मृदुंगाय गीतिम ललित नीतिलीनाम निनादय नवीनामय वाणी वीणां। धन्यवाद। पहले इसके शब्दों के अर्थ समझते हैं। निनादय बजाओ, नवीना प्लस अय, नवीना का अर्थ होता नई, अय हे संबोधन, वाणी वाणी आह सरस्वती माता के लिए, वीणाम वीणा को, वीणा कहते हैं जो सरस्वती माता के हाथों में जो वाद्य यंत्र होता है उसे वीणा कहते हैं, मृदुम मधुर या कोमल, गाय का अर्थ होता है गाओ, गीतिम गीत को, ललित सुंदर मनोहर, नीति लीनाम नीति का अर्थ होता है नीति लीनाम नीति से परिपूर्ण या अच्छे विचारों से युक्त, मधुर मीठा, मंजरी मंजरी होती है आम के पेड़ों से पहले जो आम से पहले जो फूल लगते हैं उन्हें मंजरी कहते हैं, पिंजरी भूत माला, पिंजरी होती पीली भूत हो गई है माला यानी पंक्ति, वसंते इस वसंत ऋतु में, लसंती है प्लस ई है, लसंती मतलब सुशोभित होती है, सरसा सरस से युक्त या रस से युक्त, रसालह आम के वृक्ष, कलापा समूह, ललित सुंदर या मनोहर, कोकिला कोयल, काकली नाम कहते हैं उसको जो कोयल गूंज करती है जो उसकी ध्वनि होती है उसको काकली कहते हैं संस्कृत में। तो इसमें कवि कहता है कि अय हे सरस्वती माता, अय वाणी हे सरस्वती माता आप नई वीणा को बजाओ। दूसरी लाइन की हिंदी बनेगी और इसके साथ साथ क्या करो आप मधुर कोमल गीत को भी जो नीति से परिपूर्ण है गीत को गाओ। पहले कह रहा है कि हे सरस्वती माता आप अपनी नई वीणा को बजाओ और इसके साथ साथ मधुर कोमल जो नीति से परिपूर्ण है नए नए विचारों से परिपूर्ण है उन गीतों को गाओ। आगे है मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला है, मधुर का अर्थ है मधुर मीठा, मंजरी जो आम के वृक्षों पर आम लगने से पहले जो फूल होते हैं उसे मंजरी कहते हैं, पिंजरी पिंजरी पीली भूत हो गई है माला पंक्ति। अगली लाइन है वसंते लसंती है सरसा रसाला, वसंते वसंत ऋतु में
लसंती है, सुशोभित होती है, सरसा रस से युक्त रसाला आम के वृक्ष। इस वसंत ऋतु में आम के वृक्ष मधुर मंजरियों से जो पीली हो गई हैं, सुशोभित हो रही हैं। कलापा ललित कोकिला काकली नाम, कोयलों का ललित मधुर काकली नाम, मधुर काकली नाम जो गुंजन करती हैं, जो उनकी आवाज होती है, उनके समूह से यह वसंत ऋतु सुशोभित हो रही है। इसलिए हे सरस्वती माता, आप अपनी नई वीणा को बजाओ। दूसरा है, वहती मंद मंदम सनेरे समीरे। वहती का अर्थ होता है बहती है, मंदम मंदम धीरे धीरे, सनेरे जल से युक्त, समीरे का अर्थ होता है हवा में। कालिंदा आत्म जाया सवानीर तीरे, कालिंदा आत्म जाया का अर्थ होता है जमुना नदी। सवानीर ये एक बेल है, बेत की लता होती है। तीरे तट पर, नताम झुकी हुई पंक्तिम लाइन, आलोक के देख कर मधु मधुर माधवी नाम, माधवी मालती नामक लता को, माधवी नाम का अर्थ होता है मालती नामक लता को। इसकी हिंदी देखो, यमुना नदी के तट पर, और वह तट है बेत की लता से युक्त, यमुना नदी के बेल की लता से युक्त तट पर, जल के छोटे छोटे कण से युक्त हवा धीरे धीरे बह रही है। और इसके साथ साथ जो मालती नामक लता है उसको देखकर, उसकी झुकी हुई पंक्तियों को देखकर, हे सरस्वती माता, आप अपनी वीणा को बजाओ। आज के लिए इतना ही बच्चों, आगे दो श्लोक बचते हैं, अगली कक्षा में करेंगे। इन दो श्लोकों का हिंदी में अर्थ आपने अपनी कॉपियों में लिखना है और हमें भेजना है। धन्यवाद।